1983ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಲೋಕದಳ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಇಂದಿರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿ ಜಯದೇವರಾಜ ಅರಸುರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವಿತ್ತು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವಿರದಿದ್ದ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರರು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಒಲಿಯಿತು. ಈ ಹೊಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕಾಸರಗೋಡಿನಂತಹ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸೇರೇಕಾಯಿತು. 1985ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದರು. ಜನ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಗೆದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರೂ ಆದರು. ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯ ಬಳಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಖಾತೆ ಹೆಗಲೇರಿತು. ತರುವಾಯದ ಎಸ್ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ತದನಂತರ 1989ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಬಾಗವಾದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜನತಾದಳದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಸೋತರು. 1991ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ ಅಲ್ಲೂ ಸೋಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಸು ಹಿನ್ನಡೆಯ ಕಾಲ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ 1992ರಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಂಸಿಕ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದೋಸ್ತೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 36. ಮೇರಾ ನಾಮ ಅವಿನಾಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಮೀ ಇಫ್ ದ ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ದೋಸ್ತೋ, ಜೆಸೆ ಕಿ ಮೈ ಆಪ್ಕೋ ರೋಜ್ ಬತಾತಾ ಹೂಂ, ಯೇ 36th ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೈ. 35 लेक्चर पहले हो चुके हैं, यानी कि 350 टॉपिक्स मैंने आपके कवर करवा दिए हैं. अगर वो टॉपिक्स को आपने नहीं देखा है तो आपको उनको देखना चाहिए. आपको नोट्स डाउनलोड करने चाहिए फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल. सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर ये मदद कर सकता है दोस्तों. सो इफ यू कैन हियर मी इफ द ऑडियो इज क्लियर एंड द वीडियो इज क्लियर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन. दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको कि हमारा एजेंडा है टू डिस्कस विद यू 10 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज विद प्रीलिम्स ओरिएंटेशन स्टार्टिंग एट 9:15 AM. टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसका डिटेल नोट मिल जाएगा. अनअकैडमी अंडरस्कोर अविनाश जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम है, उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. 250 न्यू एंड यूनिक टॉपिक्स पर मंथ मैं कवर करवाने लग रहा हूं. सैटरडे को मैं जो है आपका इससे रिलेटेड टेस्ट भी लेने लग रहा हूं, यानी कि आज आपका रात को 9 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट होने वाला है ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. दोस्तों, उसके ऊपर आपको जुड़ के पार्टिसिपेट जरूर करना है दोस्तों. सो प्लीज टेल मी इफ यू कैन हियर मी, इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर. दोस्तों, सारी चीजें ओके है दोस्तों, प्लीज लेट मी नो. इज एवरीथिंग ओके दोस्तों? यू कैन हियर मी? राइट. सो लेट अस बिगिन. सो दोस्तों, दिस इज द लाइव टेस्ट दैट विल बी डूइंग टुडे एट 9 PM. आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी है दोस्तों. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल नया पैसा फॉर दिस. आपको केवल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आना है, अपना अकाउंट बनाना है. यूज द कोड अवी यूपीएससी वाइल एनरोलिंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वाइल कमिंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म. अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दिस इज अ फ्री लाइव क्लास, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दिस. दिस इज अ टेस्ट जिसके अंदर 60 मिनट्स के अंदर मैं आपके सामने लाइव टेस्ट करवाऊंगा दोस्तों. तो आपने एबीसीडी ऑप्शन सिलेक्ट करने रहेंगे. क्वेश्चंस, टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ इस प्रकार की सीरीज के अंदर कवर करे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों. दिस इज वीकली टेस्ट नंबर 6, ये छठा इस प्रकार का टेस्ट है. इस टेस्ट के अंदर आपको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए दोस्तों. 50 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज इन 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करूंगा. आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे और फ्री लाइव क्लासेस मैंने आपके लिए बना रखे हैं. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग दिस इज फ्री, आपको इसे जरूर देखना चाहिए. कम ऑन टू द प्लेटफॉर्म. रमेश सिंह सर की किताब है इंडियन इकोनॉमी की, उसकी चैप्टर बाय चैप्टर समरी मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड कर रखी है, जो कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमी से प्यार हो जाएगा, इकोनॉमी आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी दोस्तों. फॉलो मी ऑन द ऐप, फॉलो मी ऑन द प्लेटफॉर्म, सो दैट मेरे सारे लाइव लेक्चर्स एज वेल एज जो प्लस कोर्सेज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं उनके बारे में पूरी जानकारी आपके पास अवेलेबल रहे दोस्तों.
राइट, वी आर सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसी को ध्यान में रखते हुए वी आर ब्रिंगिंग आउट ब्यूटीफुल सीरीज फॉर योर रिवीजन, जिसमें 9 एएम से लेकर 9 पीएम तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ कवर करे जाने लग रहे हैं, जिसका डिटेल आपके सामने रखा है दोस्तों। राइट, दीज आर द ऑफर्स फॉर 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर कॉम्बो कोर्सेज। आप देख सकते हैं कि प्राइसेज आर वेरी लो। राइट, सारी ए टू जेड प्रिपरेशन फॉर जीएस एंड ऑप्शनल इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज विद लाइव क्लासेस 49,679 के अंदर करी जा सकती है दोस्तों। वी आर ब्रिंगिंग आउट ऑप्शनल कार्निवल फॉर यू ऑन 11th August, 18th August, ताकि आप अपनी ऑप्शनल की तैयारी को अच्छे ढंग से कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू 45,000 रुपीज की जो टेस्ट सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन दोस्तों। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, प्री प्लस मेंस टेस्ट सीरीज, 21+80 यानी कि 101 टेस्ट हम आपको देने लग रहे हैं दोस्तों, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन एंड अबव दोस्तों, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। प्राइसेज आर रॉक बॉटम, सारी चीजें आपको दी जा रही लग रही है, घर पे से आप बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। मेंटोरशिप डेज है दोस्तों, जस्ट बाय पेइंग 2000 रुपीज एक्स्ट्रा अलॉन्ग विद आइकॉनिक मेंबरशिप आप ऑप्शन ले सकते हैं, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। यूज कोड अवी यूपीएससी वाइल एनरोलिंग इनटू द प्लेटफॉर्म। सीएससी प्रॉमिस क्या बोलते हैं दोस्तों, कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू नीड लोन यू कैन टेक लोन फ्रॉम अन अकेडमी। वी आर गिविंग 20 बुक्स फ्री विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन एंड अबव। यूपीएससी कॉम्बैट एवरी संडे 11 AM हो रहा है, दिस इज अ फ्री लाइव टेस्ट एट द नेशनल लेवल, जिसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको आइडिया लगेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। राइट, तमिल के अंदर भी जो है अनअकैडमी जो है यूपीएससी की आपकी तैयारी करवाने लग रही है, उसी से रिलेटेड पूरा डिटेल आपके सामने दिया है। राइट, 21, 22 एंड 23 के बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं, जिनका डिटेल आपके सामने रखा है दोस्तों। फर्स्ट एवर तमिल बैच को भी आपके लिए लॉन्च करा गया है। प्लस एंड आइकॉनिक मेंबरशिप के फायदे एज वेल एज कॉस्ट आपके सामने रख दिए हैं। सो लेट अस बिगिन अवर एजेंडा। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स, बहुत बड़े 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 टॉपिक्स है दोस्तों, वो टॉपिक्स की लिस्टिंग मैंने आपके सामने यहां पर रखी है। राइट, सो आर यू रेडी, कैन वी बिगिन द डिस्कशन दोस्तों? प्लीज टाइप येस इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर रेडी टू गो, प्लीज टाइप येस इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन आपके सामने रखा है दोस्तों। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार इसके बारे में बात होने वाली है। क्लाइमेट चेंज 2021, द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज हैज बीन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, आईपीसीसी, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, डब्ल्यूएमओ, दैट इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आईयूसीएन, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है, ये आपको बताना है दोस्तों। प्लीज शेयर योर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। आई रिक्वेस्ट यू दैट अपना पहले क्वेश्चन का आंसर आप शेयर जरूर करिए। अचितन्या, आंसर इज बी। जलज देव का आंसर इज बी। ऑल स्टूडेंट्स रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज शेयर योर आंसर्स। वार्म अप क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों जो भी अभी तक आंसर आए हैं वो करेक्ट आंसर आए हैं, द आंसर ओवर हियर इज बी। लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन दिस ईयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। राइट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक आपको आगे भी करवाऊंगा, आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, उस रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। राइट, आईपीसीसी AR6 यानी कि असेसमेंट रिपोर्ट 6 रिलीज करी गई है, इसका पूरा डिटेल मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं दोस्तों। राइट, आईपीसीसी की जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट का पहला पार्ट है वो ये आया है। राइट, ये रिपोर्ट है जो पहला पार्ट है, यानी कि 2 पार्ट और आने बाकी है, कुल मिला के 3 रिपोर्ट्स आएंगी। आईपीसीसी जो कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, बेसिकली वो पैनल ऑफ साइंटिस्ट्स है जो कि रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं रिगार्डिंग जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर चलने लग रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो होने लग रहा है, सारी चीजों की रिपोर्ट आईपीसीसी प्रेजेंट करता है दोस्तों। अब ये जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है इसके अंदर बेसिकली कैसा है दोस्तों, हमने आईपीसीसी ने 3 ग्रुप बना रखे हैं, वर्किंग ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 2 और वर्किंग ग्रुप 3। वर्किंग ग्रुप 1 ने ये रिपोर्ट रिलीज करा है, वर्किंग ग्रुप 2 एंड वर्किंग ग्रुप 3 की रिपोर्ट 2022 के अंदर आने वाली है, यानी कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होते रहने वाला है। आप जानते हैं कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो हाई लेवल मीटिंग है, वो नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाली है। तो इसी COP26 के पहले, इसी COP26 की जो मीटिंग है जिसके अंदर दुनिया के बड़े 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 लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसके पहले जो है ये रिपोर्ट को पब्लिश करा गया है, ताकि एक डायलॉग, डिस्कशन और डिबेट को स्टार्ट करवाया जा सके।
इस रिपोर्ट के अंदर बहुत अहम बातें बोली गई है दोस्तों। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चेतावनियां दी गई है कि हीट वेव्स, ड्रॉट्स, रेनफॉल, साइक्लोनिक एक्टिविटी, इन सब के अंदर हमारे को एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। अदर हाइलाइट्स क्या है दोस्तों, काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाने लग रहा है कि जो भी क्लाइमेट चेंज होने लग रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दोस्तों। तो जो पहले की असेसमेंट रिपोर्ट्स थी उनके अंदर यह कहा जाता था दोस्तों कि इट इज लाइकली या फिर मोस्ट लाइकली जो आपका ह्यूमन एक्टिविटीज है दे आर द लाइकली और द मोस्ट लाइकली रीजंस बिहाइंड राइजिंग टेम्परेचर। पहले बताया जाता था कि ये हो सकता है दोस्तों, मोस्ट लाइकली है, लेकिन अब अनइक्विवोकल तरीके से कह रहे हैं यानी कि विदाउट एनी डाउट, जीरो डाउट के साथ ये कहा जाने लग रहा है कि इट इज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर बिहाइंड क्लाइमेट चेंज दोस्तों। तो ये प्रकार की बड़ी बात कहना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसके अलावा ये बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड की एवरेज वार्मिंग होगी तो दुनिया के अंदर लोकल एरियाज के अंदर, कई एरियाज के अंदर 10 डिग्री तक जो है आपको हायर टेम्परेचर देखने को मिल सकता है ऑन सर्टेन डेज, यानी कि अगर टेम्परेचर 30 या 35 है नॉर्मल तो 40 या 45 देखने को मिल सकता है कुछ एरियाज के अंदर, इस प्रकार से रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन इंटेंसिफाइड रेनफॉल्स, ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स, राइट। कंपाउंड इवेंट्स का खतरे के बारे में बात करी गई है। व्हाट इज कंपाउंड इवेंट, कि एक इवेंट हुआ उसकी वजह से एक और इवेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। तो दो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस इवेंट्स अगर बैक टू बैक होने लग रहे हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करने लग रहे हैं तो वो कंपाउंड इवेंट है दोस्तों। जैसे उत्तराखंड के अंदर हेवी रेनफॉल के साथ लैंडस्लाइड हो गई, स्नो एवलांच हो गया, उसके साथ फ्लडिंग हो गई, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया, उसके साथ हेवी रेनफॉल और फ्लडिंग साथ में हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है कंपाउंड इवेंट्स की कैटेगरी के अंदर जाएंगे जो कि सेवरल टाइम्स डेडलियर है, जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान इसके अंदर हो जाता है दोस्तों। सी टेम्परेचर के बारे में बताया गया कि इंडियन ओशन इज वार्मिंग फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज, इसका पूरा डिटेल आपके सामने रखा है। 1.5 डिग्री वार्मिंग वाज लाइकली इवन बिफोर 2040 दोस्तों, राइट। ये सारी चीजों के बारे में बात करी गई है। तो इन्होंने बोला है कि वी नीड अ ग्लोबल नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो नेट जीरो हो जाना चाहिए बाय 2050। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमारा टारगेट है उसे हम नहीं मीट कर पाएंगे दोस्तों, राइट। इंडिया और चाइना ने कोई कमिटमेंट दिया है नहीं दिया है दोस्तों इस प्रकार का नेट जीरो के ऊपर, और जो चाइना का कमिटमेंट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का वो 2060 तक है, लेकिन ग्लोबल नेट जीरो चाहिए बाय 2050 ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, यानी कि जो चाइना का मेजर है वो बहुत कम है और इंडिया ने तो नेट जीरो की बात ही नहीं करी है दोस्तों। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस अंडर पेरिस एग्रीमेंट, उन्हें एंबिशियस करने की जरूरत है, उन्हें सिग्निफिकेंटली रेस करने की जरूरत है, एवरी 5 ईयर रिव्यू करने की जरूरत है फ्रॉम 2025, बट अभी तक 2020 तक जो हमें सबमिट करने थे रिवाइज्ड एनडीसीज, नए एनडीसीज हमें सबमिट करने थे, वो इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने अभी तक सबमिट नहीं करे, ये बोल के कि इंडिया ऑलरेडी बोल रहा है कि हमने ऑलरेडी एफर्ट्स ले लिए, अब और एफर्ट्स लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, गरीबी कम करना इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ये बात रिपोर्ट के अंदर डिस्कस करी गई है दोस्तों। नेट जीरो टारगेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अप्रॉक्सिमेटली 100 कंट्रीज ने डिक्लेयर कर दिया है कि दे विल हैव नेट जीरो एमिशन बाय मिड सेंचुरी, लेकिन उसे जल्दी करने की रिक्वायरमेंट है, इंडिया का उसके अंदर पार्टिसिपेशन अहम है ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, विदाउट बिकॉज इंडिया के पार्टिसिपेशन के बिना ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका जा सकता है दोस्तों। व्हाट इज आईपीसीसी, इट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसे 1988 के अंदर WMO दैट इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने मिलकर सेटअप करा था दोस्तों। आईपीसीसी की मेंबरशिप इज ओपन फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ WMO एंड UN। इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर से क्वेश्चन बनता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पॉलिसी मेकर्स को प्रोवाइड करता है ताकि सही पॉलिसी बनाई जा सके। नेचुरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होने वाला है, सारी चीजों के बारे में बात करता है। ओरिजिनल रिसर्च ये नहीं खुद की करता है दोस्तों, ये कोई प्रकार से क्लाइमेट या क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमेना को मॉनिटर नहीं करता है, ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स है दोस्तों जो कि सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं पब्लिश लिटरेचर का और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, यानी कि बनी बनाई रिसर्च को ये लोग कोलेट करते हैं और एक पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश करते हैं, और जो ये असेसमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन एट यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो ये जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो भी नेगोशिएशन हो रहे हैं वो इन असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर दी गई फाइंडिंग्स और एविडेंसेस के बेसिस पे होने लग रहे हैं दोस्तों। ये जो आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, असेसमेंट रिपोर्ट नंबर 6, तो हर साल
हर 7 साल में मोटा मोटी आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है। ये 6th रिपोर्ट है जो कि निकाली जाने लग रही है। अभी तक 5 असेसमेंट रिपोर्ट दे दी गई है, ये 6th है। पहली हमने 1990 में प्रोड्यूस करी थी, पांचवी हमने 2014 में प्रोड्यूस करी है, 6th अभी हमने 2021 के अंदर प्रोड्यूस करी है। ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है ये 3 वर्किंग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, वर्किंग ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 2 एंड वर्किंग ग्रुप 3। यही चीज मैंने आपको सिखाई है, समझाई है दोस्तों कि इट इज वर्किंग ग्रुप 1 जिसने ये रिपोर्ट को रिलीज करा है। आपको इस रिपोर्ट का नाम मालूम होना चाहिए, किसने रिलीज करा मालूम होना चाहिए, वर्किंग ग्रुप 1 ने रिलीज करा यह भी मालूम होना चाहिए, एंड इसके अंतर्गत जो बातें करी गई है उनके ऊपर बहुत डिस्कशन होने वाला है। वो सारी बातें आपको A to Z मालूम रहनी चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको बनाकर पूछा है दोस्तों कि आईपीसीसी की ये जो रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। मूविंग अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? दोस्तों इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आईपीसीसी डज नॉट कैरी आउट इट्स ओन ओरिजिनल रिसर्च। इट वॉज एस्टैब्लिश बाई WNO एंड UNEP इन 1988 और नन ऑफ द अबव। आपको बताना है आईपीसीसी के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट है दोस्तों, ध्यान से सोच के आपको बताना है कि विथ रेफरेंस टू आईपीसीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। प्लीज शेयर योर आंसर्स, जलज एज वेल एज अचित अन्य एज वेल एज ऑल अदर्स पार्टिसिपेटिंग, प्लीज शेयर योर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, व्हाट इज द आंसर? बता दीजिए दोस्तों आंसर। हाँ जी श्रीपद, योर आंसर इज 2D, जलज योर आंसर इज 2A, राइट? श्रीपद योर आंसर इज करेक्ट, यहां पर आंसर बनना चाहिए डी, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट नहीं है। क्लियरली मैंने आपको यहां पर दिखाया था, वापस से दिखा देता हूं दोस्तों कि आईपीसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट WNO UNEP ने इसे 1988 में एस्टैब्लिश करा था यह भी सही हो गया, यह खुद की कोई भी ओरिजिनल रिसर्च नहीं करती है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया दोस्तों। तो अगर ये सारी चीजें सही है सो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट द आंसर इज डी। आई एम सरप्राइज जलज, आपने आंसर 2A दिया है, अचित अन्य आपने आंसर 2C दिया है। आप लोगों को गलती समझ में आ रही है? जलज एज वेल एज अचित अन्य, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द मिस्टेक दैट हैज बीन डन? राइट, कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, सही है, आईपीसीसी खुद की रिसर्च नहीं करती है, ये सही है दोस्तों। इसे WNO और UNEP ने मिलकर एस्टैब्लिश करा 1988 के अंदर, दैट इज आल्सो करेक्ट, दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, नन ऑफ द अबव। इज दिस क्लियर दोस्तों? राइट, चलिए मूविंग अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आउटलाइन करा है एक 5-पॉइंट फ्रेमवर्क फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी, राइट, एट द डिबेट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC में एक डिबेट हो रही थी, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है चेयरपर्सन का रोल प्ले करा था, एंड उन्होंने एक 5-पॉइंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा है फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी। आपको बताना है दोस्तों कि ये 5 स्टेटमेंट्स के अंदर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क, ये आपको बताना है। कौन से ये दिए गए 5 स्टेटमेंट्स में से आर पार्ट ऑफ द 5-पॉइंट फ्रेमवर्क प्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू लेजिटिमेट मैरिटाइम ट्रेड, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिटाइम डिस्प्यूट्स यूनिलैटरली बाय प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, जॉइंटली फाइट थ्रेट्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स, कंजर्वेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेस, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम कनेक्टिविटी। दिए गए 5 स्टेटमेंट्स में से कौन से 5-पॉइंट फ्रेमवर्क फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी का पार्ट है एज प्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट? बताइए दोस्तों व्हाट इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। राइट, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज शेयर योर आंसर्स। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, अचित अन्य, जलज, श्रीपद, प्लीज शेयर योर आंसर्स। वेलकम दोस्तों, अच्छे से आपने आंसर्स देने हैं, रोज 10 क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर रहे हैं। आज शाम को 9 PM के ऊपर आपका एक टेस्ट होने वाला है, अभ्यास टेस्ट करंट अफेयर्स का। उस टेस्ट के अंदर आपको सबको पार्टिसिपेट करना है, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दोस्तों, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, और आपको आइडिया लगेगी कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कितनी अच्छी चलने लग रही है, कितना स्ट्रांग आपका रिविजन चलने लग रहा है दोस्तों। रितेश वाग, योर आंसर इज बी। श्रीपद, योर आंसर इज डी। राइट, ओम, योर आंसर इज थ्री वाला यानी कि ए। ओके, राइट ओम, ऐसा नहीं सोचना है कि आपको नहीं आता है, आपने कोशिश करनी है। अगर मैं आपको सारे आप क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ही बता दूंगा तो आपको एक आइडिया भी नहीं लगेगी कि आपकी कितनी नॉलेज करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही है। और आप डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत जो है आएगा,
राइट तो ये एक अपॉर्चुनिटी ऑफकोर्स मैं तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा ही और मैं तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद ऑप्शन भी देता हूं वापस से आंसर करने का सो डोंट वरी एंड इसीलिए मैं आपका टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहा हूं ताकि जो करंट अफेयर्स आपको सिखाया जा रहा है उसके बेसिस पे आप टेस्ट दे ओम सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करनी है राइट यहां पर दोस्तों द आंसर शुड बी बी 1, 2, 3, 4 एंड 5 दोस्तों राइट 1, 3, 4 एंड 5 इज द राइट आंसर ओवर हियर लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर मैटर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी इंडिया ने अपने हाथों में ले रखी है इसके ऊपर मैंने दो क्वेश्चन ऑलरेडी करवाए हैं आपको पीएम मोदी ने आउटलाइन करा एक 5-पॉइंट फ्रेमवर्क फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी राइट ये 5-पॉइंट फ्रेमवर्क क्या है रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू लेजिटिमेट मैरिटाइम ट्रेड यानी कि जो लीगल प्रॉपर मैरिटाइम ट्रेड है उसे हमारे को करवाना है उससे रिलेटेड बैरियर्स हमारे को रिड्यूस करने हैं इसके ऊपर ग्लोबल प्रोस्पेरिटी डिपेंड करती है राइट कोई भी हिंड्रेंस अगर मैरिटाइम ट्रेड पे है तो ग्लोबल इकोनॉमी को थ्रेटन करेगी प्रधानमंत्री जी ने सागर के बारे में बात करी है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के बारे में बात करी है और सागर तभी हो सकता है ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन तभी हो सकती है जब मैरिटाइम ट्रेड आगे बढ़ती है तो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है रेजोल्यूशन ऑफ मैरिटाइम डिस्प्यूट्स पीसफुली इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ राइट तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिटाइम डिस्प्यूट कैसे करना है पीसफुली करना है इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ करना है यहां पर क्या दे रखा है रेजोल्यूशन ऑफ मैरिटाइम डिस्प्यूट्स यूनिलैटरली बाय प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि दम दिखाकर ताकत दिखाकर मसल दिखाकर मिलिट्री दिखाकर नेवी दिखाकर यूनिलैटरली डिस्प्यूट को खत्म करना सामने वाले को दबाकर ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया दोस्तों तो वर्ड्स के अंदर से आपको मीनिंग निकालने आने चाहिए अंडरस्टैंड करना आना चाहिए उसका स्पिरिट क्या है दोस्तों तो हमें कैसे रेजोल्यूशन करना है मैरिटाइम डिस्प्यूट्स का पीसफुली करना है बातचीत करके करना है मल्टीलैटरली करना है इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते करना है दोस्तों ना कि ताकत दिखा के दम दिखा के इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है थर्ड चीज उन्होंने बोली है जॉइंटली फाइट करने थ्रेट्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स उसके बाद उन्होंने बोले कंजर्वेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज करवाना जरूरी है उसके बाद उन्होंने बोले प्रमोट करना है रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम कनेक्टिविटी पूरा डिटेल यहां पर दिया गया है क्योंकि इसके ऊपर जो है GS3 के अंदर मैरिटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कोलंबो कॉन्क्लेव के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है आज इसके बारे में बात कर ली तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक्स एड होने लग रहे हैं एक के पीछे एक प्लीज शेयर द आंसर अगेन दोस्तों थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जलज ओम रितेश श्रीपद अचितन्य व्हाट इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए जलज व्हाट शुड बी द आंसर रितेश व्हाट शुड बी द आंसर श्रीपद ओम सब लोग अपने अपने आंसर्स को एक बार वापस से बताएंगे प्लीज शेयर योर आंसर्स थर्ड क्वेश्चन का आंसर अब क्या होगा बी आंसर होगा करेक्ट है श्रीपद बी विल बी द आंसर वाई बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है राइट चलिए थैंक यू जलज थैंक यू ओम मूविंग अहेड टू द फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आराम से क्वेश्चन पढ़ के अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए गलत हो गया कोई बात नहीं वापस मौका मिलेगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि NCBC वाज एस्टैब्लिश अंडर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है सोच के बताइए कि जो NCBC को एस्टैब्लिश करा गया था तो NCBC एक्ट 1993 के अंतर्गत उसे एस्टैब्लिश करा गया था इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द NCBC यानी कि जो NCBC फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बात करी गई है उसी NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 थर्ड स्टेटमेंट यह है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि हाल फिलहाल में डिस्कस करा जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर राइट दिस बिल प्रोवाइड्स दैट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नीड टू मैंडेटोरली कंसल्ट द NCBC व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस सोच के आप बताइए कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था महाराष्ट्र का मराठा एजुटेशन से रिलेटेड है शेड्यूल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है फेडरल रिलेशन से टॉपिक रिलेटेड है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरी हाई प्रोबेबिलिटी की आपको ये एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा एक तरीके से या दूसरे तरीके से दोस्तों तीन डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है क्या NCBC को हमने 1993 में लॉ के माध्यम से एस्टैब्लिश करे थे क्या कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था क्या कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल 2021 के हिसाब से जो है सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो स्टेट्स और यूटीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो NCBC को मैंडेटोरली कंसल्ट करना पड़ेगा क्या ऐसी बात करी गई आप बताइए व्हाट शुड बी द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन चंदन आपका आंसर है ए अचितन्य आपका आंसर है ए श्रीपद आपका आंसर है बी रितेश आपका आंसर है बी शायद मतलब बच्चे श्योर नहीं है कोई बात नहीं डिफिकल्ट टॉपिक है दोस्तों नहीं आया तो कोई बात नहीं है यहां पर आंसर है ए लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर मैटर टू यू राइट
पूरा मैटर ये है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल 2021 को बहुत लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा ने पास कर दिया है। तो मेन टॉपिक क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल, जो कि आगे चलते हुए एक एक्ट बन जाएगा जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल के बारे में हम डिस्कशन करने लग रहे हैं। अब ये बिल क्या कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है ताकि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को पावर दिए जा सके कि वो खुद की सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो भी लिस्ट है वो तैयार कर सके। इसका बैकग्राउंड मेरे को आपको एक्सप्लेन करने दीजिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को हमने एस्टैब्लिश करा था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के माध्यम से, राइट 93 में कानून पास करके ये बॉडी को एस्टैब्लिश करा था, यानी कि जब बॉडी को एस्टैब्लिश करा था वो टाइम पे स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसको एक लॉ पास करके सेटअप करा गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में एक्जैक्टली वही लिखा है कि एनसीबीसी को एस्टैब्लिश करा गया था 1993 के अंदर एक कानून पास करके। उसके बाद इस बॉडी को इंपॉर्टेंस जानते हुए, इस बॉडी के सिग्निफिकेंस को देखते हुए, इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया दोस्तों बाय कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2018 के अंदर पास करा गया। तो ये 2018 वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया एनसीबीसी को, एंड प्रेसिडेंट को एम्पावर करा कि प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर एनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर ऑल पर्पसेस। और यहां पर आ गई प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही हमने प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया कि प्रेसिडेंट बताएंगे कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, तो फिर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास पावर है कि नहीं है कि वो खुद की लिस्ट बना सके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की। तो ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसकी वजह से हमने ये जो है अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। अब ये जो अमेंडमेंट बिल लाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल 2021, इसके अंदर साफ करा गया है दोस्तों कि प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आइडेंटिफाई कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास पावर है। उसके अलावा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के पास खुद का पावर रहेगा एज पर दिस न्यू बिल, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के पास खुद का पावर रहेगा कि वो खुद की लिस्ट बना सके ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टेट्स और यूटीज की लिस्ट शुड मैच विद द सेंटर की लिस्ट, स्टेट जाने उनकी लिस्ट जाने, यूटी जाने उनकी लिस्ट जाने, देयर इज नो नीड फॉर एनी मैचिंग बिटवीन द सेंट्रल लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट यूनियन यूटी लिस्ट। ठीक है, कंसल्टेशन विद द एनसीबीसी की बात करते हैं दोस्तों, राइट आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी कि वो एनसीबीसी को कंसल्ट करेंगे दोस्तों, राइट जो भी मैटर है रिलेटेड टू सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन ये जो बिल है, ये बिल एग्जेम्प्ट करने लग रहा है, बोल रहा है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनको मैंडेटरीली कंसल्ट करना पड़ेगा विद एनसीबीसी व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर लिस्ट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस दोस्तों। यानी कि एनसीबीसी के जो पावर्स है उनको थोड़ा सा हमने करटेल करा है, उनको हमने थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन करा है, जो प्रेसिडेंट का पावर है उसको हमने करटेल करा है और क्लियरली डिफाइन करा है, और जो स्टेट्स और यूटीज के पावर्स थे उन पावर्स को हमने रिस्टोर करा है दोस्तों। इंडिया के अंदर ये जो ओबीसी यानी कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है, ये बोथ सेंटर एंड स्टेट बना सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16 दोस्तों, दोनों के पास पावर है और यही पावर्स को रिस्टोर करा गया है। हुआ क्या था दोस्तों, ये अमेंडमेंट क्यों लेकर आना पड़ा, ये जो 127th अमेंडमेंट है ये क्यों लेकर आना पड़ा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था हाल फिलहाल के अंदर कि ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर कि वो बताएंगे कि ओबीसी कौन है, इवन फॉर द स्टेट लिस्ट प्रेसिडेंट बताएंगे कि ओबीसी कौन है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्यों आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसीलिए आया बिकॉज ऑफ द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर लिखा गया था कि प्रेसिडेंट बताएंगे कि कौन है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई कि जो मराठा एजिटेशन हुआ, मराठा कोटा दिया गया बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उस कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। उसकी वजह से पॉलिटिकल टेंशन डेवलप हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को करटेल करा जाना है टू आइडेंटिफाई हु इज ओबीसी एंड हु इज नॉट ओबीसी। इसी प्रकार के टेंशन को बुझाने के लिए, इसी प्रकार के प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बिल लाया गया है दोस्तों। मैंने आपको पूरी कहानी समझाई है, आप इस क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट करिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी क्वेश्चन समझाई है दोस्तों, राइट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कोई टेंशन नहीं लेना बच्चों, गलती आप लोग का करना एक अधिकार है, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज के अंदर गलती नहीं करेंगे तो आप गलती कब करेंगे दोस्तों, ये लर्निंग स्टेज है। डेली बेसिस पे हम जुड़ क्यों रहे हैं, आपको नई चीजें सिखाने के लिए। कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं है गलती करके, कॉन्फिडेंस को बनाना है गलती करने के बाद,
क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करके। क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट आप कब करेंगे, जब आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो दो मिनट पहले सॉल्व नहीं हो रहा था, एक प्रॉपर थरो एक्सप्लेनेशन लेने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उससे कॉन्फिडेंस बनाना है दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि आप बताइए, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था एनसीबीसी को, और तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल 2021 कह रहा है कि मैंडेटोरीली कंसल्ट करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए बनना चाहिए, राइट। बताइए दोस्तों आपको कोई भी डाउट है कि नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सब लोग वापस से दीजिए। ओम, प्रीतिपर्णा, जलज, रितेश, श्रीपद, अचितन्या, चंदन, सारे स्टूडेंट्स प्लीज रिक्वेस्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अब क्या होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप दीजिए। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन दोस्तों, अगर आपको डाउट है तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों। प्रीतिपर्णा का आंसर ए है, चंदन का आंसर ए है, रितेश का आंसर ये है कि कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मूविंग अहेड टू द फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च करा दोस्तों मोदी जी ने, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन फॉर ऑयल पाम, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन फॉर ऑयल पाम, इस मिशन को लॉन्च करा गया है। तीन स्टेटमेंट दिए हैं बड़े खतरनाक वाले दोस्तों, आपको बताना कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इस मिशन का एम है टू रेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल बाय 3 times टू 11 lakh MTs बाय 2025-26। इट विल इन्वॉल्व रेजिंग द एरिया अंडर पाम कल्टीवेशन टू 10 lakh हेक्टर्स बाय 2025-26। स्पेशल एम्फोसिस ऑफ द स्कीम विल बी इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स ड्यू टू कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस इन द रीजन। तीन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दिए हैं दोस्तों, दीज आर नॉट जनरल स्टेटमेंट्स, वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जो कि एकदम परफेक्ट एक्यूरेट नॉलेज डिमांड करता है दोस्तों। दैट इज वाई एम सेइंग दैट दिस क्वेश्चन मे बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ रखा है, और मात्र 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद ये टॉपिक आपके लिए आसान टॉपिक बन जाने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा डिटेल उठा के मैं आपके हाथ में रखने वाला हूं इसका। सो इस नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम के बारे में आपको बताना कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, प्लीज शेयर योर आंसर्स दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, ओके चंदन ने स्किप कर दिया है, बाकी सारे स्टूडेंट्स अपना आंसर देंगे। सारे स्टूडेंट्स क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, 3 times हमारे को पाम ऑयल का प्रोडक्शन को बढ़ाना है टू 11 lakh metric tons, एरिया अंडर पाम ऑयल कल्टीवेशन को 10 lakh हेक्टेयर्स लेकर जाना है बाय 2025-26, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार पे फोकस है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है बताइए दोस्तों, राइट। ओम आपका आंसर है, आंसर ए बी सी डी करके दीजिए दोस्तों, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर वेराइटी ऑफ आंसर दिखने लग रहा है दोस्तों, आई कैन सी अ वेराइटी ऑफ आंसर्स, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। यहां पर आंसर डी है दोस्तों, रितेश, अचितन्या एज वेल एज श्रीपद, योर आंसर्स आर करेक्ट दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट। लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर मैटर टू यू, 11,000 रुपया सरकार खर्चा करने वाली है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम के ऊपर दोस्तों। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे को एडिबल ऑयल के अंदर सेल्फ रिलायंस लेकर आनी है। बहुत सारा एडिबल ऑयल इंडिया कंज्यूम करता है, प्रोडक्शन कम है, उसीलिए इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो ये जो इंपोर्ट करने की जो डिपेंडेंसी है इसको हमारे को रिड्यूस करना है, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर हमारे को बनना है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स को आप याद करेंगे क्योंकि मेंस के अंदर लिखने के भी काम आएगा, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। वो ये है कि हमारे को डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल को 3 times इंक्रीज करना है टू 11 lakh metric tons बाय 2025-26, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि जो एरिया अंडर पाम ऑयल कल्टीवेशन है उसको हमारे को इंक्रीज करना है टू 10 lakh हेक्टर्स बाय 2025-26 एंड टू 16.7 लाख हेक्टर्स बाय 2029-30। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको कैच करके रखने हैं दोस्तों कि 11 लाख मेट्रिक टन 25-26 तक हमारे को पाम ऑयल का प्रोडक्शन निकालना है डोमेस्टिकली, और एरिया अंडर पाम कल्टीवेशन कितना होना चाहिए, 10 लाख हेक्टेयर होना चाहिए दोस्तों, कैच कर लिया। तीसरा स्टेटमेंट कैच करिए कि ये स्कीम का फोकस कहां है, ये स्कीम का फोकस है नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार के ऊपर, क्योंकि वहां पर वेदर ऐसा है कि ऑयल पाम कल्टीवेशन को सक्सेसफुली करा जा सकता है। मोदी जी की सरकार ऑयल पाम फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली है ताकि रेम्यूनरेटिव तरीके से फार्मिंग को करवाया जा सके, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस को रिड्यूस करवाया जा सके। इंडिया मेजर ऑयल सीड ग्रोअर है, उसके बाद भी हम बहुत बड़े इंपोर्टर है, राइट। आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन है बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर, आप देख सकते 9.3 million metric ton का कंजम्पशन है पाम ऑयल के अंदर, राइट। 98% जो है इंपोर्ट होने लग रहा है, इंडिया मात्र 1% खुद की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहा है, बाकी सारा माल इंपोर्ट करा जाने लग रहा है फ्रॉम इंडोनेशिया मलेशिया। यही चीज को रोकना है, हमारे पास जमीन है, फार्मर है, खेती है, खेती की नॉलेज है, पैसा है, ताकत है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, उन सबको हम यूज करेंगे दोस्तों और खुद का माल खुद बनाएंगे।
मैक्सिमाइज करने की प्रोडक्शन कोशिश करेंगे दोस्तों, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे हमारे फार्मर्स का रेवेन्यू। पाम ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल है, जो कि डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, बायोफ्यूल, हर चीज बनाने के अंदर जाता है। इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन के टॉप कंज्यूमर है दोस्तों। तो ये पूरा मैटर मैंने आपको समझाया, और पहले भी सरकारों ने इसके ऊपर काम करा है, बट इस मिशन के बारे में मैंने आपको सारी चीज बताई। इसका बैकग्राउंड मैंने आपको पूरा यहां पर लिख के दे रखा है दोस्तों, कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम में क्या करा गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में क्या करा गया है, येलो रेवोल्यूशन में क्या करा गया है, खरीफ स्ट्रेटजी 2021 के अंदर क्या बात करी गई है, पूरा डिटेल मैंने आपको यहां पर दिया है। बट जो सरकार ने नया मिशन लॉन्च करा है उसके बारे में डिटेल आपके सामने यहां पर प्रेजेंट करा है दोस्तों। इसी के बेसिस के ऊपर अब आप लोग ये क्वेश्चन को जरा वापस अटेम्प्ट करिए, व्हाट शुड बी द आंसर, कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम के बारे में तीन स्टेटमेंट है। प्रोडक्शन 11 लाख मेट्रिक टन 25-26 तक, एरिया अंडर कल्टीवेशन 10 लाख हेक्टेयर 25-26 तक, स्पेशल फोकस ऑन अंडमान निकोबार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब आप बताइए कॉन्फिडेंस के साथ कि ये मिशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है, अब आप बताइए दोस्तों। राइट, ओम आपका आंसर डी है, रितेश वाघ आपका आंसर डी है, चंदन कुमार आपका आंसर डी है। अब आप लोगों के आंसर सही है, अब मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मूविंग अहेड टू द सिक्स्थ क्वेश्चन दोस्तों, छठे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम नया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, पहली बार इंडिया के अंदर बड़े रूप में न्यूज में देखा गया है। 101% प्रोबेबिलिटी बन रही है कि यहां पर से क्वेश्चन बनेगा। यह मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस ग्रुप है फॉर पॉलिसी डायलॉग एंड इश्यूज ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस। इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इंटरनेट गवर्नेंस डिबेट, वेदर दे रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी थ्रू एन ओपन एंड इंक्लूसिव प्रोसेस। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट बहुत बड़ा बात बोल रहा है दोस्तों, कि ये इंटरनेट की जो भी गवर्नेंस की डिबेट चलने लग रही है उसके अंदर गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर एक फोरम प्रोवाइड करता है ताकि बातचीत हो सके। क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप सोच के बताइए। इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए। आपको बताना है कि तीन स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। दोस्तों इसी इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का इंडिया चैप्टर को हम इनॉग्रेट करवाने लग रहे हैं, उसके बारे में न्यूज छपी थी, इसीलिए इस टॉपिक को कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर अब इंडिया के अंदर चली है दोस्तों। क्योंकि इंडिया का जो चैप्टर चार्ट हुआ है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का, वो बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग्स करवाने लग रहा है दोस्तों। बता दीजिए व्हाट इज द आंसर फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन। राइट, सारे स्टूडेंट 6A, 6B, 6C, 6D इस प्रकार से आंसर दीजिए, ताकि मेरे को कैच करने में आए कि आपका आंसर क्या है, कौन से क्वेश्चन के लिए आंसर है दोस्तों। रितेश प्लीज शेयर योर आंसर, प्राची तिवारी, जलक, चंदन, ओम, प्रीतिपर्णा, सब लोग अपना अपना आंसर बताइए। चंदन जी आपने आंसर 6 का आंसर डी दिया है दोस्तों। राइट, ओम ने आंसर सी दिया है, अच्छी तन्या का आंसर डी है। राइट, डी देने वाले बच्चे आप लोगों का आंसर करेक्ट है, 1 and 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। राइट, लेट मी एक्सप्लेन द एंटायर मैटर टू यू। इंडिया चैप्टर ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस फोरम को लॉन्च करा गया है, ये 3-day सेशन कंडक्ट करने वाला है दोस्तों। ये जो 3-day सेशन होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम दोस्तों, क्योंकि इंडिया के अंदर हो रहा है इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, ये इसकी थीम है दोस्तों। ये यूनाइटेड नेशंस बेस्ड फोरम है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो IGF है, ये यूनाइटेड नेशंस बेस्ड फोरम है। इसका इंडिया चैप्टर को लॉन्च करा गया है, इसकी थीम जो इंडिया चैप्टर की जो मीटिंग्स होने वाली है उसकी जो थीम है इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया है दोस्तों। राइट, तो ये पर्पस क्या है, ये इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम या फिर इंडिया चैप्टर ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, उसका पर्पस क्या है, पॉलिसी डिस्कशंस करवाना, मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए सारे स्टेक होल्डर्स को एकत्रित करके बातचीत करना, ये इसका फोकस है, ताकि एक आगे का रास्ता बनाया जा सके। अक्टूबर 2021 यानी कि एकदम आपके एग्जाम के साथ इस मीटिंग होने वाली है इस फोरम की, इसकी थीम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम क्या है दोस्तों, ये मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस ग्रुप है पॉलिसी डायलॉग करवाने के लिए, जहां पे सारे स्टेक होल्डर, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, सिविल सोसाइटी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सबको एकत्रित करा जाता है। 2006 के अंदर इसे अनाउंस करा गया था बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। 2006 में इसकी पहली बैठक करवाई गई थी एथेंस ग्रीस के अंदर दोस्तों, उसके बाद हर साल इसकी एनुअल मीटिंग चलने लग रही है। इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड इन जिनीवा स्विट्जरलैंड है दोस्तों, नॉट इन न्यूयॉर्क यूएसए, जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है। इसको फंडिंग जो है यूएन डेसा के माध्यम से मिलती है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के माध्यम से इसे फंडिंग मिलती है दोस्तों। इसके अलावा आइकान क्या है यह भी आपको बताया है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। यदि आप एक दूसरे को ढूंढते हैं, आपका पीसी दूसरे पीसी को इंफॉर्मेशन भेजता है, तो जो पीसीज आपस में इंटरेक्ट करने लग रहे हैं, तो एक पीसी दूसरे पीसी को कैसे ढूंढता है, क्योंकि हर पीसी का एक यूनिक एड्रेस होता है। वो यूनिक एड्रेस कौन देता है, वो आइकान देता है। तो आइकान क्या है, ये एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है जो कि बेस्ड लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया के अंदर है, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, यूनिक कोड, ये सारी चीजों को रन करता है इंटरनेशनल लेवल।
लेवल के ऊपर। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक बहुत ही अहम मिसाल है दोस्तों कि सारी बॉडी साथ में मिलकर काम करने लग रहे हैं। अगर आपने ये सारी चीजों को समझ लिया तो कॉन्फिडेंस के साथ सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6A, 6B, 6C या फिर 6D आपको आंसर बताना है दोस्तों। इस प्रकार के ट्रैप को आपको एग्जाम के अंदर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दोस्तों कि हाँ ये गलत है, और ये प्रकार के स्टेटमेंट्स को आपको सही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके अलावा जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है उसकी थीम क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। थैंक यू प्रतिबर्णा, चंदन, प्राची, थैंक यू फॉर गिविंग द राइट आंसर्स। राइट, मूविंग अहेड टू द सेवेंथ क्वेश्चन दोस्तों। वेरी सिंपल क्वेश्चन, माउंट मेरापी रिसेंटली सीन इन द न्यूज कौन से कंट्री में लोकेटेड है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस? तुरंत आंसर बता दीजिए दोस्तों। दोस्तों आज रात को 9 PM के ऊपर आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट रखा गया है, जिसमें एक घंटे के अंदर जो है मैं आपसे 50 questions लाइव टेस्ट के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा। सारे स्टूडेंट्स को उसके अंदर एक्जैक्टली एट 9 PM जुड़ना है, डिले मत करिएगा। मैं देखता हूं कई बार स्टूडेंट 9:15 पे आते हैं, 9:20 पे आते, फिर उनको जो है मजा नहीं आता है क्योंकि उनके क्वेश्चंस मिस हो गए रहते हैं। आप ऐसी गलती मत करिएगा दोस्तों, अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। यह आपका 6th करंट अफेयर्स का टेस्ट है जो कि 50 क्वेश्चंस वाला टेस्ट है, आपको इसके अंदर जुड़ना है दोस्तों। हर महीने 4 टेस्ट मैं आपके कंडक्ट करवा रहा हूं करंट अफेयर्स के, यानी कि कुल मिला के 200 questions मैं आपको टेस्ट के थ्रू वापस से रिवाइज करवा देता हूं। हर दिन मैं आपको 10 questions करवाने लग रहा हूं, महीने के 250 नए टॉपिक्स मैं आपको करवाने लग रहा हूं दोस्तों। पूरी करंट अफेयर्स की तैयारी A to Z तैयारी एक ही टीचर आपकी करवा सकता है, बस आपने कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है दोस्तों। 7th क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए दोस्तों, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एज एक्सपेक्टेड सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है। आंसर वॉरियर इज सी, इंडोनेशिया। हेडलाइन के अंदर चिक चिक के दिखाई दे रहा है दोस्तों, इंडोनेशिया का माउंट मेरापी इरप्ट हुआ है दोस्तों, और बहुत सारा लावा और ऐश उसने जो है जावा की डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड के ऊपर जो है इरप्ट करवा दिया। कोई कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं करी गई है। माउंट मेरापी यानी कि माउंटेन ऑफ फायर मोस्ट एक्टिव ऑफ इंडोनेशिया, 130 एक्टिव वोल्केनोज है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। राइट, इंडोनेशिया के अंदर बहुत वोल्केनोज पाए जाते हैं बिकॉज इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अलोंग लोकेटेड है। अगर कोई नया बच्चा है उसको नहीं मालूम है रिंग ऑफ फायर के, तो रिंग ऑफ फायर एक सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, यानी कि पैसिफिक ओशन के बाजू में एक चपटा सा बेल्ट है दोस्तों, और इस बेल्ट के ऊपर बहुत सारे वोल्केनोज लोकेटेड है दोस्तों, बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आपको इस बेल्ट के अलोंग देखने को मिलते हैं। 40,000 किलोमीटर लंबा यह बेल्ट है जो कि कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स, जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती है दोस्तों, राइट, वो टेक्टोनिक प्लेट्स को ये कवर करता हुआ बेल्ट चलने लग रहा है। 75% ऑफ अर्थ्स वोल्केनोस, 90% ऑफ अर्थ्स अर्थक्वेक्स जो है वो आपको इस बेल्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्ट वायलेंट एंड ड्रामेटिक सीजमिक इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों। ये जो बेल्ट है ये लाल कलर की लाइन में है, आपको दिखाई देने लग रहा है, और आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली दोस्तों कि ये बेल्ट जो है वो इंडोनेशिया के बहुत नजदीक से पास होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडोनेशिया के अंदर आए दिन हमारे को भूकंप एज वेल एज वोल्केनो के झटके देखने को मिलते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। मूविंग अहेड टू द 8th क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएससी का क्वेश्चन है। मैं आपको हर बार कहता हूं दोस्तों कि जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कानून है उसके प्रोविजंस आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है ये आपको बताना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच दिस पब्लिक पार्टिसिपेशन विल बी सॉट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल pollutants from various sources। आपको बताना है कि Environment Protection Act 1986 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या पावर्स है, क्या उनके पास पावर्स है कि वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्या उनके पास पावर्स है कि वो स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन को डिफाइन कर सकते हैं। सोच के बताना कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एनवायरनमेंट पढ़े तो इंडिया के अंदर जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कानून है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड रूल्स है, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स है, इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है तो बाय डिफॉल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आपको इन कानूनों इन रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। 8th क्वेश्चन के अंदर वैरायटी ऑफ आंसर दिखाई दे रहा है, बी और सी के अंदर कंफ्यूजन है, यहां पर आंसर होना चाहिए सी दोस्तों। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन वाज मेड बाय GOI, राइट, उसके अंदर साफ कहा गया है दोस्तों पब्लिक हियरिंग पीपल पार्टिसिपेशन किस प्रकार से करवाया जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन करी गई है। ये जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजंस के अंदर से निकल कर आया है, और इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया कि पब्लिक हियरिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन किसी भी प्रोजेक्ट में कैसे होने वाला है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्योंकि एज पर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पावर्स हैं कि वो स्टैंडर्ड्स और एमिशन ले डाउन कर सकते हैं फॉर वेरियस पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है दोस्तों। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना आंसर बी दिया था वापस से एक बार आंसर देंगे, यहां पर दोस्तों आपको क्विकली समझ में आ जाना चाहिए कि ये टॉपिक बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
कोई भी साल के अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इस प्रकार के कानून जो इंडिया के अंदर है, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कानून है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का कानून है, पॉल्यूशन से रिलेटेड कानून है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई भी साल में पूछा जा सकता है दोस्तों। मूविंग अहेड टू द नाइन्थ क्वेश्चन दोस्तों, बता दीजिए तीन स्टेटमेंट आपको दिए, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एज पर द रीसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके पास राइट है कि दे कैन फेल बैम्बूस ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज, यानी कि फॉरेस्ट एरिया में उगते हुए बैम्बू को वो गिरा सकते हैं, काट के यूज कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई भी बात अलाउ करी गई है? आप सोच के बताइए। एज पर द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, बैम्बू को जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस घोषित करा गया है। एज पर दिस एक्ट 2006, इट अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट में क्या इशू आ सकता है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंड करा गया और बोला गया है कि जो बैंबू फॉरेस्ट एरिया में ग्रो करा गया है उसे गिराया जा सकता है, उसे यूज करा जा सकता है। एज पर द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, जिसे हम शॉर्ट में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कहते हैं, एज पर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बैंबू एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, क्या सोच के बताइए। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एज पर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो ओनरशिप है दैट लाइज विद फॉरेस्ट ड्वेलर्स। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है नाइन्थ के अंदर ये आपको बताना है। प्राची, अचितन्या, आपने आंसर दिया है सी, दैट इज थ्री ओनली। सो प्राची एज वेल एज अचितन्या एज वेल एज ओम, आप लोगों के आंसर थोड़े से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप लोग अपने आंसर को रिकंसिडर करेंगे दोस्तों। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है और डी आंसर दिया है, प्लीज आप लोग अपने अपने आंसर्स को रिकंसिडर करिए, प्लीज रिकंसिडर योर आंसर्स। अगर आपको मजा आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चंदन आपका आंसर ए है, श्रीपद आपका आंसर डी है, सारे आंसर गलत जा रहे हैं दोस्तों। किसी ने भी यहां पर बी आंसर नहीं दिया है, बी इज द राइट आंसर, टू एंड थ्री। व्हाई? बिकॉज फॉर द सिंपल रीजन की स्टेटमेंट वन नॉट करेक्ट है। क्यों स्टेटमेंट वन नॉट करेक्ट है? क्योंकि हमने इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2017 लाए थे, जिसमें बोला गया था कि जो भी बैंबू ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज है दोस्तों, नॉन फॉरेस्ट एरियाज है, उसका बैंबू को आप गिरा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसका इकोनॉमिक यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको ये जो फॉरेस्ट एरियाज के ऊपर गोला मारा था, ये आपकी अटेंशन सीक करने के लिए मारा था कि ये गलत है दोस्तों। नॉन फॉरेस्ट एरियाज के अंदर अलाउ करा गया कि आप बैंबू का कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन फॉरेस्ट एरिया के अंदर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। स्टेटमेंट टू करेक्ट है दोस्तों, एमएफपी का डेफिनेशन दिया गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत सारी चीज के बारे में बताया गया है। तो यहां पर बताया गया कि बैंबू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आप देख सकते हैं यहां पर कि जो बैंबू है यहां पर इंक्लूड करा गया है। तो हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डेफिनेशन दिया है और उसके अंदर बताया है कि ब्रशवुड, स्टंप, केन, टसर, ककून, हनी, वैक्सीज, लैक, तेंदू, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, रूट्स, ट्यूबर एंड बैंबू जो है वो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में आएंगे दोस्तों। स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर साफ लिखा गया है दोस्तों कि जो भी राइट ऑफ ओनरशिप है, एक्सेस टू कलेक्ट है, यूज है, डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, राइट, इट लाइज विद द फॉरेस्ट ड्वेलर्स दोस्तों। इट हैज ट्रेडिशनली बीन कलेक्टेड विद इन और आउटसाइड विलेज बाउंड्रीज, इसका जो राइट है इट लाइज विद द फॉरेस्ट ड्वेलर्स दोस्तों। तो ये प्रकार से सारी चीजों के बारे में बात करी गई, यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। मूविंग अहेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंथ क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया के अंदर वेरियस प्रकार के इन्फ्लेशन के मेजर्स है, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, राइट। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चार स्टेटमेंट आपको दिए, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, तो ये डज नॉट सही है कि आप सोच के बताइए दोस्तों, राइट। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज प्राइमरीली यूज्ड टू मेजर लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द इकोनॉमी, तो क्या ये लॉन्ग टर्म चेंजेस को मेजर करने में मदद करता है दोस्तों, सोच के बताइए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूजेस करंट फाइनेंशियल ईयर एज बेस पीरियड फॉर कैलकुलेशन, तो क्या करंट फाइनेंशियल ईयर को यूज करा जा रहा है एज बेस ईयर दोस्तों। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू गुड्स ओनली, सोच के आपको बताना है दोस्तों कि 1, 2, 3, 4 में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, राइट। सो जलज योर आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन इज डी, 1 एंड 4। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी अपना अपना आंसर दे देंगे फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, राइट। प्लीज शेयर योर आंसर्स, यू कैन सी मिक्स्ड बैग ऑफ टॉपिक्स है दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक करवाया, एनवायरमेंट का टॉपिक करवाया, करंट अफेयर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई उसको करवाया, ज्योग्राफी के अंदर एक वोल्केनो आया उसको करवाया दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन से डिस्कशन हो रहा है उसको करवाया, इकोनॉमी का टॉपिक हुआ है, इन्फ्लेशन डिस्कस करवाया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही मिक्स्ड बैग ऑफ टॉपिक आपको करवाया गया है। यहां पर आंसर इज डी, 1 एंड 4 ओनली, पहला स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो शॉर्ट टर्म चेंजेस बताता है दोस्तों कि इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस क्या होने लग रहे हैं, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन बताता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को बेस पीरियड के तौर पर यूज करता है दोस्तों, राइट, करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं यूज करता है। पूरा डिटेल